तो सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड का एक कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल या कमांड जे, कॉपी को आप रीनेम कर दीजिए। रीनेम करके रख दीजिए आप सैम्पल। तो अपने सैम्पल के लेयर का आप सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन हो जाने के बाद आप आइए सिलेक्टेड मार्क्स। तो जिन्हें सिलेक्टेड मार्क्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो वो सिंपली आप जा सकते हैं सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाके आप सिलेक्टेड मार्क्स के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके आ जाइए और शिफ्ट को प्रेस कीजिए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे रिफाइन एज का टैब ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्टेड मार्क्स के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो सिलेक्टेड मार्क्स यहाँ पे आने के बाद आप व्यू मोड को आप ऑन वाइट में एक बार कर लीजिए। ऑन वाइट में करने के बाद मेक श्योर कि आपने यहाँ पे रेडियस ब्रश को आपने सिलेक्ट किया हो। तो रेडियस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जो भी हेयर के यहाँ पे आपके पार्टिकल या मैटर है उसके ऊपर आप एक बार ब्रश कर दीजिए। आप नेक्स्ट आइए यहाँ पे, आप यहाँ पे आउटपुट टू कीजिए न्यू लेयर। ओके, तो यहाँ पे आपका न्यू लेयर में आपका सब्जेक्ट आ चुका है। तो इस सैम्पल कॉपी को आप फिर से रीनेम करके रख दीजिए मेन। ठीक है, तो इस मेन के ऊपर आप एक न्यू लेयर बनाइए और मेन को फिर से सिलेक्ट कीजिए। और अब इस बार आप कंट्रोल होल्ड करके और न्यू लेयर के आइकन में आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपके जो सिलेक्ट आपका मेन लेयर सिलेक्ट था उसके ठीक नीचे आपका एक न्यू लेयर बन जाए। तो इस लेयर को आप फिल कीजिए ब्लैक कलर से। तो मैं यहाँ पे इसको सॉलिड ब्लैक कलर से इसे फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे अपने लेयर वन में इसका नाम आप रखिए टेक्स्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं या फिर आप सिंपली आप गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं लॉरेम इप्सम। सो लॉरेम इप्सम सर्च करने के बाद ही आपका फर्स्ट पेज सा फर्स्ट जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा लॉरेम इप्सम या फिर www.lipsum.com। तो यहाँ पे ये पेज बहुत ही अच्छा पेज है दोस्तों। यहाँ पे आपको डेमो टेक्स्ट मिल जाएंगे, ना कि सिर्फ इंग्लिश में बल्कि आपको हिंदी में भी आपको डेमो टेक्स्ट मिल जाएंगे। तो डेमो टेक्स्ट मतलब है कि आप इन टेक्स्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं एज अ डेमो। ठीक है, तो इन टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, ये बस ऐसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है कुछ, या इधर उधर आप अरेंज कर दिया है इन वर्ड्स को, तो आप इन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश को। तो यहाँ से पहले मैं ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, तो अब मैं अपना टाइप टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो भी जितना भी एरिया मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट है उतने एरिया को मैं अपने टाइप टूल से कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसा एक बॉक्स बना लिया अपने टाइप टूल से। ओके, तो यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना फॉन्ट एरियल। फॉन्ट को मैंने रखा है, स्टाइल को मैंने रखा है बोल्ड में और फॉन्ट के साइज़ को मैंने रखा है 7। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट अपने टेक्स्ट को जो मैंने कॉपी किया था लॉरेम इप्सम से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पूरा एरिया मुझे कवर करना है। तो एक चीज़ जो टाइपोग्राफी में मेन फंडा क्या है, मेन फंडा यही है कि आपको अपने सब्जेक्ट को या फिर अपना आपका जो आपका इमेज है उसको आपको कम्प्लीटली फिल करना है टेक्स्ट से। आपका सब्जेक्ट जितना आपका टेक्स्ट से फिल हुआ रहेगा, जितना आपके हर एक लाइन के बीच में या फिर हर एक आपके वर्ड्स के बीच में जितना गैप कम होगा आपका टाइपोग्राफी उतनी अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके इस टेक्स्ट के थंबनेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लिक हो जाने के बाद आप आइए अपने मेन लेयर में। मेन लेयर का आप अभी कीजिए एक कॉपी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल या कमांड जे, कंट्रोल जे।
अब यहाँ पे हो गया मैजिक। तो आप आइए टेक्स्ट के लेयर में, टेक्स्ट के लेयर का आप विजिबिलिटी ऑफ कीजिए। अब आप आइए मेन लेयर में और मेन लेयर का आप विजिबिलिटी ऑफ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे बेहतरीन तरीके से टाइपोग्राफी रेडी हो गया है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल के टाइपोग्राफी में, एक और मेन चीज़ क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वर्ड्स को सेम साइज़ में रखो। आपको जो लगता है कि आपका जो जहाँ पे जो वर्ड्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, आप उन्हें सिलेक्ट करके उनका अलग से साइज को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आपको जो लगता है कि आपका मेरा ये इस टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ में मेरा ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसे अभी सिलेक्ट करके मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो आप फिर से आप कंट्रोल होल्ड कीजिए और यहाँ पे अपने टेक्स्ट के थंबनेल के ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आप आइए अपने मेन लेयर में और मेन लेयर का फिर से एक कॉपी कीजिए, कंट्रोल या कमांड जे, विजिबिलिटी ऑफ कर दीजिए टेक्स्ट के लेयर का, फिर आप विजिबिलिटी ऑफ कीजिए मेन लेयर का। तो यहाँ पे आपका टाइपोग्राफी रेडी हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ कहीं पे अगर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपको कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सिंपली आप सिलेक्ट कीजिए अपना डॉट टूल। डॉट टूल सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली ओ प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने टूल बार से डॉट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डॉट टूल सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कि आपका रेंज अभी शेडोज में है और एक्सपोजर है आपका 50% और आपका प्रोटेक्ट टोन्स चेक है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप अपने यहाँ पे, मैं इस लेयर को चेंज कर रीनेम कर देता हूँ टाइपोग्राफी। तो आप मेक श्योर कि आप अपने टाइपोग्राफी के लेयर में हैं और आपने यहाँ पे सिंपली इनके ऊपर ब्रश कर देना है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके जहाँ पे वर्ड्स थोड़े समझ में नहीं आ रहे आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक आपका इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया, एक न्यू लेयर क्रिएट किया, मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया और ग्रेडियंट को मैंने कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दिया। मैं अप्लाई करता हूँ इसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मैंने ब्लेंडिंग मोड अभी रख दिया लाइटन में। तो आप भी कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के साथ। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा फोटोशॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब मैं फिर से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, न्यू लेयर को मैंने फिल कर दिया ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से फिल करने के बाद मैंने इसका फिल कर दिया 0%, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस ब्लैक कलर के थंबनेल के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा इसका ब्लेंडिंग मोड, इस लेयर का ब्लेंडिंग ऑप्शन आपका आपको मिल जाएगा। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाने के बाद आप आइए यहाँ पे इसके स्ट्रोक में। तो स्ट्रोक का आप साइज रख सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पे अभी 7 रखा है। पोजीशन को मैंने इनसाइड रखा है, आप सेंटर में रख सकते हैं या फिर इनसाइड में रख सकते हैं, आउटसाइड में मत रखिए। तो आउटसाइड में रखने से आपको कुछ दिखेगा नहीं, नजर नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे इनसाइड में रखा है। ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल रखिए, ओपेसिटी को आप एकदम 100% रखिए। ओवरप्रिंट आप चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल टाइप कलर होना चाहिए और कलर यहाँ पे मैंने अभी ब्लैक रखा है, आप वाइट रखा है, आप ब्लैक भी रख सकते हैं। उसके बाद आप आइए यहाँ पे इनर ग्लो में। तो इनर ग्लो में मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखा है, ओपेसिटी 100% रखा है, नॉइस को 0 रखा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए आप इन ऑप्शंस के साथ। तो यहाँ पे मैंने टेक्निक सॉफ्टवेयर रखा है और सोर्स को मैंने यहाँ पे रखा है एज। चोक मेरा अभी है 0 और साइज मेरा है 15 पिक्सल। तो इतना हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे किया ओके। तो यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक मेरे इमेज को एक बॉर्डर मिल चुका है। तो दोस्तों ये था टाइपोग्राफी के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप इसी तरह से फोटोशॉप को सीख सकें। देखते रहिए डिलीजेंस डिज़ाइन और अपने पैशन को बढ़ाते रहिए।